यूपी की वीआईपी सीटों में से एक अमेठी की सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। अमेठी की सीट पर जारी सस्पेंस के बीच सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने इस सीट से लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता मानती है कि उन्होंने मौजूदा सांसद को चुनकर बड़ी गलती कर दी है। अगर पार्टी उन्हें अमेठी सीट से टिकट देती है तो ये उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि लोग चाहते हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए। देश भर के तमाम इलाकों से उन्हें चुनाव लड़ने की रिक्वेस्ट आती है। वाड्रा ने आगे कहा कि वो गांधी नेहरू परिवार के मेंबर हैं, इसीलिए राजनीति से दूर रहना उनके लिए मुश्किल है। कई बार इस तरह की चर्चाएं होती रहीं कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आ सकते हैं, राजनीति में एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन इस बार खुद रॉबर्ट वाड्रा कह भी रहे हैं और इनडायरेक्टली अपने लिए पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं और उनकी इच्छा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। देखिए क्या कह रहे हैं। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ।